Hello students, how are you? Welcome to your own channel, Good Education. Student, today we have to study how to convert singular number into plural number. आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. एंड यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से आपको सुनना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बेसिक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो इस पर ध्यान दीजिए कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल क्या है. बहुत सारे रूल हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फ्यूचर में कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. आप सिंगुलर से प्लूरल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं सामान्य रूप से कि किसी भी नाउन के लास्ट में एस ऐड कर देने से वह प्लूरल हो जाता है. सो ये बहुत सिंपल है, बहुत जनरल है. इसके अलावा भी स्पेशल है, स्पेशल चीज़ें हैं कि किस तरह से नाउन है उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट किया जाए. तो आइए ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया, सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया है. जो जनरल रूल है वो यह है कि किसी भी नाउन में लास्ट में एस ऐड कर देने से वह प्लूरल हो जाता है. जैसे यहाँ पर लिखा है बॉय, तो बॉय मीन्स एक लड़का, और इसमें एस ऐड कर दिया जाए तो एक से अधिक लड़के हो जाते हैं. ये लिखा है बुक, एक किताब, इसमें एस ऐड कर दिया जाए तो एक से अधिक किताब हो जाते हैं. ट्रीज लिखा है ट्री, इसमें एस ऐड कर देते हैं तो एक से अधिक पेड़ हो जाते हैं. उसी तरह से पेन है, इसमें एस ऐड कर देने से अधिक पेन हो जाते हैं. टेबल है, इसमें एस ऐड कर देने से अधिक टेबल हो जाते हैं. तो इसमें देखिए जनरल रूल है कि किसी नाउन के लास्ट में एस ऐड कर देने से वह प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है. मीन्स अभी तक जो वह एक वस्तु का बोध करा रहा था, अब एक से अधिक का बोध कराएगा. लेकिन विशेष रूल में हम चलते हैं, स्पेशल रूल क्या है. स्पेशल रूल यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कोई नाउन जिसके एंड में लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, सिंगल एस हो, डबल एस हो या एक्स हो, तो उनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते समय ई एस ऐड किया जाता है. ध्यान देना है कि अब यहाँ पर एस ऐड नहीं किया जाएगा बल्कि ई एस ऐड किया जाएगा. किनके साथ? ऐसे नाउन जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स हो. एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है बेंच. बेंच है और ये नाउन है, इसके लास्ट का जो एंडिंग वर्ड है वह सी एच है. बताया गया कि अगर किसी नाउन के लास्ट में सी एच हो तो उसको प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड किया जाएगा, एस नहीं, ई एस ऐड किया जाता है. तो सी एच है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखा है बूस. बूस है, ये नाउन इसके लास्ट में एस एच है. अब इसको प्लूरल बनाना हो तो आप ई एस ऐड करेंगे, इसमें ई एस ऐड कर देने से प्लूरल होता है. थर्ड नाउन है एस, इसके लास्ट में डबल एस है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर डबल एस है तो भी इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते समय ई एस ऐड किया जाएगा, ये तो एसेस हो गया. फिर उसी तरह से लास्ट में एस है तो इसको भी प्लूरल में कन्वर्ट करते समय ई एस ऐड किया जाएगा. अगर किसी नाउन के लास्ट में एक्स है तो इसमें भी ई एस ऐड किया जाएगा, अभी होगा प्लूरल. अभी होता है बेंचेस, बूसेस, एसेस, बसेस, टैक्सेस. इस तरह से इसको प्लूरल. तो सावधानी आपको ये बरतना है कि किसी नाउन को किसी को सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है. थर्ड इज सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का जो थर्ड रूल है, नेक्स्ट रूल है, वो क्या है? ध्यान दीजिए, ऐसे नाउन
जिसके लास्ट में वाई हो, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में वाई हो लेकिन उसके ठीक पहले कोई वावेल यूज़ किया गया हो, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई हो और उसके ठीक पहले कोई भी वावेल, पांचों में से कोई भी वावेल यहाँ पे लिखा हो, तो इसको प्लूरल बनाते समय एस ऐड किया जाता है। एस ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में तो प्लूरल होगा। ध्यान क्या देना है कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो उसको प्लूरल बनाते समय आप एस ऐड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बॉय एक नाउन है जो वाई से एंड हुआ है लेकिन इसके पहले ओ जो लेटर है वो वावेल है, इसलिए यहाँ पर रूल कहता है कि इसको प्लूरल बनाते समय एस ऐड किया जाएगा उसके लास्ट में। सेकेंड वे लिखा है, ये वर्ड भी वाई से एंड हो रहा है और इसके पहले वावेल है ए, तो वावेल होने की स्थिति में यहाँ पर एस ऐड किया जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब हॉलीडे को देखिए, हॉलीडे में भी लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले एक वावेल है, इसलिए इसको प्लूरल बनाते समय एस ऐड किया जाएगा। डे है, लास्ट में वाई है और इसके पहले ए एक वावेल है, इसको भी प्लूरल बनाते समय एस ऐड कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। रूल ये कहता है कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई हो और उनके पहले कोई वावेल हो तो प्लूरल बनाते समय उसमें एस ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? आफ्टर दैट फोर्थ रूल क्या है? चौथा रूल क्या होता है इसको समझिए। चौथा रूल ये कहता है कि अगर कोई नाउन हो जिसके लास्ट में वाई हो लेकिन उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसको कैसे प्लूरल बनाया जाएगा? इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव कर दिया जाता है। वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह पे आई ई एस ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे बॉय लिखा है। अब ये कह रहा है कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में वाई हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय इस वाई को रिमूव कर दिया जाएगा और इसके जगह पे अपने ओर से आई ई एस ऐड करेंगे, तो बेबी था अब बेबीज हो जाएगा, अभी प्लूरल होगा। ठीक उसी तरह से इस वर्ड को लीजिए, बॉडी। बॉडी में लास्ट में वाई है और इसके ठीक पहले डी, ये कॉन्सोनेंट है, तो जब इसको आप प्लूरल करेंगे तो बॉडी के साथ वाई को रिमूव किया जाएगा और वाई की जगह पे आई ई एस ऐड कर दिया जाएगा, बॉडीज हो जाएगा, भी प्लूरल हो गया। उसी तरह से फ्लाई है, फ्लाई इस नाउन में लास्ट में वाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसको प्लूरल करते समय भी वाई को रिमूव करेंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, फ्लाइज हो जाएगा, भी प्लूरल हो गया। लेडी है, लेडी में लास्ट में वाई है और इसके पहले डी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया जाए, अब ये प्लूरल हो गया, लेडीज हो गया। तो यहाँ पर अभी एक से अधिक चीज़ों को शो कर रहा है, तो ये फोर्थ है। फिफ्थ, इसको ध्यान रखिए, फिफ्थ क्या है कि ऐसे नाउन हो जिनके लास्ट में ओ हो, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ओ हो और इनके पहले कोई कॉन्सोनेंट यूज़ किया गया हो, इनके पहले कॉन्सोनेंट यूज़ किया गया होगा तो इसको प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड किया जाएगा। जैसे हीरो है तो हीरो में इस वर्ड में अब लास्ट में देखिए ओ है, ओ से एंड हुआ है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड कर दिया जाएगा, ई एस ऐड कर देना है। मैंगो, ओ से एंड हो रहा है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो मैंगो को प्लूरल करते समय ई एस ऐड कर दिया जाएगा। टोमेटो है,
ओ से एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस एड कर दीजिएगा, टोमेटोज हो जाएगा। तो इस तरह से प्लूरल हो रहा है। इसका एक एक्सेप्शन अपवाद है कि दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिस पर यह नियम काम नहीं करता है। उसका एग्जांपल लिखा गया फ़ोटो, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फ़ोटो। इसको भी ध्यान से देखिए कि ओ से एंड हो रहा है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट लेकिन ई एस एड नहीं किया जाता है। इसके लिए जनरल रूल काम करता है, इसमें हमेशा एस लगाया जाता है, एस लगा के इसको प्लूरल किया जाता है। ध्यान रखिए कि इसको ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, इसको पूछता है कि ये फ़ोटो दे देगा, कहेगा कि आप इसको प्लूरल बनाइए, तो आप जनरल रूल फॉलो करेंगे तो मिस हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फ़ोटो एक्सेप्शन है और इस पर इसका रूल, वो वाला रूल इस पर लागू नहीं होता। उसी तरह से पियानो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो बजाया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी ओ से एंड होता है लेकिन इसमें एस एड किया जाता है। तो इस तरह से यह है पियानो, इसको एक एक्सेप्शन के रूप में याद किया जाएगा। तो अभी इसमें अभी बहुत सारे रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का, लेकिन अब इसको यहीं पेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी रूल्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। कोई डिफ़िकल्टीज हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।